और इससे लंबे आप पीछे जाइए, कुलदीप सिंह सेंगर चिन्मयानंद से लेके तमाम मिजोरम में असम में सबके नेता मंत्रियों ने यही कुकर्म किए, कांड किए, कोर्ट हो चाहे पुलिस हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब पे कब्जा करके बैठे, बिल्कुल जो मन करे वो कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बात करना तो दूर, हमें गुंडी और लफंगी कहा था। अच्छा, आदमी निकले ऐसे कपड़े पहन के तो क्या हम औरतों की नीयत डगमगा जाएगी? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हमेशा से तमाम सवाल उठते आए हैं। निर्भया केस हो, चाहे कठुआ का केस हो, चाहे हाथरस हो, फिर से ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। तमाम सबूत होते हुए भी जो है ऐसे आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उसी के चलते यहाँ पर आज प्रदर्शन हो रहा है संसद मार्ग पर। तो ये जो तमाम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, पुलिस वाले हो चाहे महिला आयोग हो चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, तो ये सब कहाँ चले जाते हैं, क्यों ऐसी घटनाएं फिर बार बार घट रही हैं? देखिए, आज ये सब कुछ एक तरीके से देखा जाए बड़े स्तर पे देश सब सम्मिलित है। जैसे आज अनायासी कोई कंजावर वाली घटना नहीं घटी, इसमें जो खास तौर पे जो मनोज मित्तल भाजपा का नेता है उसको बिल्कुल छूट दिए जाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए सारी प्लानिंग की जा रही है कि मामला रिड्यूस किया जा रहा है। बेसिकली आप मीडिया पे देखेंगे तो उस पर ये आ रहा है कि साजिश थी, लड़की ने लड़ाई कर ली, शराब पी रखी थी वगैरह वगैरह तमाम, पर ये बर्बरता को छुपाया जा रहा है। और ये बर्बरता कोई पहली घटना नहीं है, लगातार ही हो रही है। आप जैसे वही सरकार क्यों समर्थन करती है इससे पता चल जाना चाहिए कि 15 अगस्त को मोदी जी कहते हैं कि औरतों की इज्जत करो, उसी दिन जो बिल्किस बानो के सारे बलात्कारियों को इसलिए रिहा किया जाता है क्योंकि संस्कारी, सो कॉल्ड संस्कारी लोग थे, और उनको तुरंत भाजपा में सदस्यता दी जाती है। और ये कोई, और इससे लंबे आप पीछे जाइए, कुलदीप सिंह सेंगर चिन्मयानंद से लेके तमाम मिजोरम में असम में सबके नेता मंत्रियों ने यही कुकर्म किए, कांड किए। तो ये आज सत्ता में बैठे लोग, इसको पता है कि भाई हम बलात्कार करें, कुछ भी करें, छूट मिल जाएगी, तो इसलिए लोग कर रहे हैं। पुलिस भी इनके अंडर है। तमाम जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं या ऐसे मैटर्स आते हैं कि बलात्कार के या इस तरीके के महिलाओं के साथ के, तो हमेशा से भाजपा के ही नेता सामने आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? क्योंकि आज सत्ता में वही लोग हैं ना, सत्ता में बैठे खुली छूट है उनको कि जो मर्जी करे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस उनके उसमें है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नोटबंदी सही थी, तो ये सारे फैसले भी बता देने, सब कुछ उनके कब्जे में, चाहे कोर्ट हो चाहे पुलिस हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब पे कब्जा करके बैठे, बिल्कुल जो मन करे वो कर रहे हैं आज, उनको यही लगता है। बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, उन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हर जगह आपने देखे होंगे, तमाम जो है टैक्सियों पे लिखे रहते हैं, गाड़ियों पे लिखे थे, ट्रकों पे लिखे रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फिर तब भी ये इस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्यों? देखिए, आज सवाल तो ये बेटी बचाओ किससे, भाजपाइयों से बेटी बचाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के 8 सालों में आप आंकड़े उठा के देखिए, 2012 के आसपास कुछ 2 लाख के आसपास कोई आंकड़े थे स्त्री विरोधी, आज के समय में 2021 में 4,28,000 हो गए, यानी दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इसी ये पता चल रहा है ना कि ये किनसे बचाने की जरूरत है, तो नारे खोखले नारे ये साफ हमें पता है। अच्छा, ये जो रेप का एक कारण है, जो रेप होता है, ये कुंठित मानसिकता के लोग बताए जाते हैं, क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि इस तरीके का जो मोबाइल्स पे जो परोसा जाता है, क्या सरकार को उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल, अभी हमें सवाल ये करना चाहिए कि ये ऐसी मानसिकता पैदा कैसे होती है। आज जो जिस तरीके से पूरा महिलाओं को पेश किया जाता है कि उनको भी एक माल में तब्दील कर दिया गया, जिससे आप चाहे तमाम ऐड देखे, चाहे तमाम से फिल्म देखे, सॉफ्ट पोर्न से ले, तमाम ये तो ईजिली अवेलेबल है, बिल्कुल एक कारण है, पर इससे कुल मिला के सिस्टम ही ऐसा है जो इस पूरी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो सवाल सिर्फ किसी एक वेबसाइट पर रोक लगाना है, किसी चीज़ को बंद कर देने से हल नहीं निकलेगा, सवाल वही है कि इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को तो बदलना होगा, तब चीज़ें हो सकती है। लगता है कि सिस्टम बदलेगा? बिल्कुल, जब लोग एकजुट होंगे तो बिल्कुल बदलेगा, और वो काम जारी है। इस मामले में भी जिस तरीके से निर्भया के मामले में हुआ था, वो अपने दोस्त के साथ थी, 8 बज रहा था, तो उसके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि भैया वो अपने दोस्त के साथ थी, रात में घूम रही थी, फिल्म देख के आ रही थी, उसी की गलती थी। इस मामले में भी ये बता दिया कि वो होटल में रुकी थी अपनी दोस्त के साथ, और भी लड़के थे जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने ड्रिंक भी की हुई थी, उसकी ही दोस्त बता रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि वो लड़की छोड़कर चली गई थी, और ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ अंजलि भी आई थी वापस। तो इस मामले को कैसे देखते हैं, लड़की ही उसके ऊपर? देखिए, बेसिक चीज़ है कि आज डेमोक्रेसी इंडिया में, तो सबका अपना डेमोक्रेटिक राइट है, वो रात में बाहर निकले ना निकले, ये आप इससे जज नहीं करेंगे कि कौन क्या है, किसी कैरेक्टर को इससे जज नहीं कर सकते। बिल्कुल आज़ाद देश है, तो यहाँ कोई तानाशाही, मतलब कहने के लिए नहीं, अनऑफिशियली तो है ही, पर तानाशाही वैसे तो नहीं है कि आप इतने बजे नहीं निकल सकते, कर्फ्यू हो गया, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। तो हम तो यही डिमांड कि चाहे वो क्यों सिर्फ लड़कों को या किसी आदमी को अधिकार हो बाहर, सबको ये अधिकार मिलना चाहिए। और सवाल वही मानसिकता का है जो प्रीत सत्ता
नकारात्मक मानसिकता है वो लोगों के दिमाग में अलग अलग जगह पोर पोर में जाकर बैठे, इस वजह से ये चीज़ें घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। चलिए, तो अभी हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिला हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? आप भी एक महिला है और तमाम घटनाएं बार बार इस तरीके से सामने आ रही हैं, कैसे देखती हैं? मैम देखिए, इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि चाहे मोदी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आप किसी मुद्दे को लेके एक दूसरे की टांग खींचना बंद कीजिए। ठीक है, चाहे आप केजरीवाल की सरकार अगर कोई प्रॉब्लम करती है तो मोदी सरकार पीछे पड़ जाती है, चाहे कांग्रेस करती है तो दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक आप तीनों इस मामले में एक नहीं होंगे तब तक हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस मामले में आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ ठोस डिसीजन ले सकते हैं और हमारे समाज को इस तरह की घटनाओं से बचा सकते हैं। एक दूसरे की टांग खींचना बंद कीजिए इसमें आप। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इतने सेंसिटिव मामले होने के बाद भी जो तमाम सरकारें हैं, कभी केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के पे एलिगेशन लगा के रोटियां सेकने लगते हैं, उस मामले को तूल आरोपियों पे एलिगेशन लगा के उनको धाराएं एक्ट लगा करके 302, जैसे कि ये मामला हुआ 302 लगनी चाहिए थी, उस पे बात नहीं करते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने लगते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, क्या सीखती है क्या? बिल्कुल, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी से हैं, हम 884 महिलाओं को केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार दोनों ने मिलकर हमें हड़ताल के दौरान नौकरी से निकाला। एक साल से करीब से हमारा केस चल रहा है और इसी के लिए हम लोग पहाड़गंज में केजरीवाल सरकार से बात करने गए थे। वहाँ पे उन्होंने हमसे बात करना तो दूर, हमें गुंडी और लफंगी कहा था। हम भी एक लेडीज होके वहाँ पे बात करने गई थी, पर हमें गुंडी और लफंगी कि तुम भाजपा सरकार की तरफ से आए हो। और वहीं पर ये केस देखो, इस केस के कंझावला कांड के बाद केजरीवाल साहब खुद चले गए एलजी हाउस के बाहर कि आप इस्तीफा दो। तो अगर आप किसी और को बोल रहे हो तो पहले आप अपने आप को देखो ना कि आप क्या कर रहे हो। आप भी तो औरतों के लिए ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग अपने अंदर ये इन सब चीज़ों को सुधारो और हमारे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अच्छा, लगातार भाजपा सरकार अपने नेताओं को संस्कारी बताती है, भगवा रंग के लिए इतना लड़ जाती है, संस्कारी हैं उसमें सारे लोग, आपको मालूम ही होगा, तो ये घटनाएं फिर कैसे हो जाती है जिसमें उन्हीं नेताओं के नाम आ जाते हैं? मैडम देखो, स्त्री का ना तो कोई रंग है, ना कोई कास्ट है, स्त्री स्त्री है, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, किसी भी बिरादरी की स्त्री हो, अगर स्त्री के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण है, अगर उसने ऐसा कर ही दिया तो क्या हो गया, वो कर ही नहीं सकते। तो आप लोगों को ये चीज़ जो आप तूल देते हैं कि ब्राह्मण है तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो मुस्लिम है तो वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं, औरत के ऊपर ऐसे अत्याचार करने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा का नेता हो, चाहे केजरीवाल का हो, कांग्रेस का हो, चाहे समाज में ही ऐसे पुरुष अगर हैं तो उन्हें भी इस चीज़ का हक नहीं है कि वो एक स्त्री को इस तरह से दबाएं और इस तरह से उसको डीमोटिवेट करें। अच्छा, अभी आपने कहा, इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जब मामला महिला सुरक्षा का ही हो, चाहे कैसा भी हो, तो उसमें धर्म क्यों देखने लगते हैं? बलात्कार तो स्त्री का हुआ है ना, स्त्री को स्त्री क्यों नहीं समझते हैं? वही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि धर्म, स्त्री का कोई धर्म नहीं है। हाँ। स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, स्त्री स्त्री है, चाहे वो किसी भी समाज की स्त्री हो, उसको सही नजरिए से देखना पड़ेगा और उसको आज़ाद करना पड़ेगा। हम किसी भी केस के पीछे हम ये कहते हैं कि उसने ऐसा किया, वो रात को घूम रही थी, उसने ड्रिंक की हुई थी, क्यों भाई? लाइसेंस सिर्फ पुरुषों को है ड्रिंक करने का, औरतें क्यों नहीं कर सकती है? अगर ऐसा है तो सारे जेंट्स अगर बंद हो जाए अपने घर में ना, तो फिर देखते हैं हम कौन सी स्त्री के साथ बलात्कार होता है। सब औरतों को बाहर रहना चाहिए और सब आदमियों को घर में बंद रहना चाहिए। अच्छा, कपड़ों पर भी जो है बोला जाता है कि भैया कपड़े पहनकर निकलती हैं, तो क्यों लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर निकलती हैं, जिससे उनकी नीयत डगमगा जाती है? अच्छा, आदमी निकले ऐसे कपड़े पहन के तो क्या हम औरतों की नीयत डगमगा जाएगी? हाँ। ये तो मैडम देखो, नए नए बहाने हैं केस को दबाने के, इस तरीके से औरतों को दबाने के लिए सब नए नए बहाने हैं। लोग अपने अपनी सोच को इस तरह से कहते हैं ना, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो हम सिर्फ बहाना बनाते हैं। तो हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा और इस समाज को बेहतर करने के लिए हम सभी को आना पड़ेगा आगे। किसी से कुछ नहीं होने वाला, ना गवर्नमेंट से कुछ होगा, बस लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो बाहर निकलने से आपको लगता है कि सत्ता को आप हिला पाएंगी या उन लोगों से आप लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे जब तक। अच्छा मैडम, वहाँ कहाँ की बात थी अभी?
जब राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे लोग, ये श्रीलंका की बात, वहाँ पे जनता ने ही राष्ट्रपति को हिला दिया। जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो जनता को ही उसका फैसला करना पड़ता है, जनता ही चुनती है सरकार, तो जनता को हर चीज का हक है। तो आप ये कहना चाह रही हैं, आप तो लोगों को भड़का रही हैं कि श्रीलंका बना देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी आज़ादी के लिए हम खुद लड़ेंगे। हाँ। हमारी आज़ादी के लिए लोग नहीं आएंगे। हाँ। अपनी आज़ादी के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। आज़ादी किससे मांग रहे हैं? अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुके हैं, अब किससे आज़ादी मांग रहे हैं? गोरे गए काले आ गए, बस इतना ही फर्क है मैडम, कुछ आज़ाद नहीं हुआ है। काले कौन, किसको कह रही हैं काले? जो हमारे देश के जो है बैठे हुए पूंजीवादी सरकार। पूंजीवादी सरकार, बिल्कुल काले हो गए अब। हाँ जी। तो चलिए, तमाम लोगों से यहाँ हमने बात की, तो महिला सुरक्षा को लेकर लोगों के क्या विचार हैं, क्योंकि ये भी एक महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ। महिला सुरक्षा के जो इंतज़ाम जो कड़े होने चाहिए उसको लेकर लगातार जो है पुलिस घेरे में रहती है, हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है, और हमेशा से ऐसा होता है जो लड़की जिस पीड़िता होती है उसी को ही ये लोग एक्यूज्ड बना देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और समझने की, जो लगातार सरकार अपने आप को बताती है कि हम महिलाओं की हितकारी है, महिलाओं के हित की बात करते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये तब कहाँ चले जाते हैं जब इन्हीं के नेता बलात्कार में शामिल होते हैं, तब क्यों ये लोग चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।